जल्दी पढ़ाई करो, ये करो अनस, ये मत करो अनस, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो अनस 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 अनस, तुम्हारी ऑनलाइन क्लास है अभी। हेलो दोस्तों, आई एम मोहम्मद अनस एंड दिस इज माय यूट्यूब चैनल अनस के वीडियोस। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दोस्तों, मेरे पापा मुझे हमेशा कहते हैं कि बेटा यू आर नॉट अ कॉम्पिटिटर, यू आर अ लर्नर। और इनफैक्ट मैं तो ये कहता हूँ कि इस दुनिया में जितने भी पेरेंट्स हैं उन सबकी यही सोच होनी चाहिए, क्योंकि उनके जो बच्चे हैं वो किसी रेस के घोड़े नहीं हैं, वो अभी किसी कॉम्पिटिशन का हिस्सा नहीं है। दोस्तों, यही है आज का टॉपिक कि पेरेंट्स किस तरह के होते हैं और वो अपने बच्चों को किस तरह से ट्रीट करते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, ज़रा सा स्किप मत कीजिए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ कि जो जो मेरे भाई बहन, मेरे हर दोस्त, मैं सेपरेटली तो सबका नाम नहीं ले सकता, लेकिन फिर भी जो मेरी हर वीडियोस पर अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप पर काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरी इतनी हौसला अफजाई करने के लिए, थैंक यू सो मच। इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए और मेरी हर वीडियोज़ को शेयर करते रहिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पेरेंट्स हमेशा फोर टाइप्स के होते हैं, फोर कैटेगरीज के होते हैं। और अगर एज अ पेरेंट आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप चूज कीजिए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। और अगर एज अ चाइल्ड आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी चूज कीजिए कि आपके पेरेंट्स किस कैटेगरी में आते हैं। तो नंबर वन पर जो पेरेंट्स हैं वो कुछ ऐसे होते हैं कि जो अपने बच्चों को हद से ज़्यादा प्यार करते हैं, उनकी हर ख्वाहिश, उनकी हर जिद को पूरा करते हैं। अगर बच्चा सपोज एक पेंसिल भी मांगे तो उन्हें पेंसिल का बॉक्स ला कर दे देते हैं। अगर बच्चा पेन मांगे तो उन्हें पेन का बॉक्स ला कर दे देते हैं। वो उनकी हर ख्वाहिश को पूरी करते हैं। और उनका ऐसा कहना है कि जिस तरह हमने हमारे बचपन में जिस तरह हमने हर चीज़ के लिए हम तरसे हैं, हमने जिन जिन परेशानियों का सामना किया है उन परेशानियों का सामना हमारे बच्चे ना करें, ऐसी उनकी सोच होती है। और यहाँ पर वो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर बच्चों को इन चीज़ की अहमियत पता नहीं होगी, इन चीज़ की कदर नहीं होगी उन्हें, क्योंकि इन चीज़ के पीछे कितनी सारी मेहनत करनी पड़ती है तब जाके वो चीज़ हासिल होती है, अगर यही बच्चों को नहीं पता होगा तो बच्चों की सोच कैसी हो जाएगी पता है? बच्चे कुछ ऐसा सोचने लगेंगे कि यार मैं तो कुछ भी मांगूँ मेरे पापा दे देंगे, मैं ये मांगूँगा पापा दे देंगे, मैं ये मांगूँगा पापा दे देंगे। इससे क्या होगा दोस्तों पता है? बच्चे अपनी बचपना तो जी लेंगे अच्छे से, पर जब बड़े हो जाएंगे ना तब उन्हें तकलीफ होगी, और तब ये बात कहकर कोई फायदा नहीं होगा। तो ये थे फर्स्ट नंबर वाले पेरेंट्स। अब सेकंड नंबर पर जो पेरेंट्स आते हैं वो होते हैं कुछ अग्रेसिव पेरेंट्स, कुछ स्ट्रिक्टनेस वाले पेरेंट्स। यानी ये पेरेंट्स बॉस की तरह अपने बच्चों पर हुक्म करते हैं, अपने बच्चों को हर चीज़ में रोक टोक करते हैं, अपने बच्चों को खुल के जीने नहीं देते। जैसे सपोज बेटा तुम इतने बजे उठो, इतने बजे खाओ, इतने बजे सो, इतने बजे क्लास करो, अभी तुम्हारा पढ़ाई का टाइम है, पढ़ाई करो, ये करो वो मत करो, ये करो वो मत करो। इस तरह वो अपने बच्चों को हर बात में रोकते हैं, टोकते हैं। और फिर से क्या होता है पता है दोस्तों? बच्चे का जिस चीज़ में दिल है वो काम बच्चा दूसरों से राय लेकर अपने माँ बाप से छुप छुप कर करता है, और इससे वो कभी कभी गलत रास्ते पर भी चला जाता है। तो दोस्तों ये थे दूसरे सेकंड नंबर वाले पेरेंट्स। अब थर्ड नंबर वाले जो पेरेंट्स हैं वो है कंपैरिजन वाले पेरेंट्स। यानी ये पेरेंट्स अपने ही बच्चों को दूसरों से कंपेयर करते हैं। लाइक अभी एग्जाम का रिजल्ट आए हैं और बच्चे को कम मार्क्स आए हैं तो पेरेंट्स लाइक ऐसा कहते हैं, देखो शर्मा जी की बेटी 90% से पास हुई, देखो खान साहब का बेटा 80% से पास हुआ, और तुम आज तक अभी 50-55 के ऊपर गए हो नहीं, वहीं पर अटके हुए हो। इस तरह वो अपने बच्चे को डीमोटिवेट करते हैं, दूसरों से कंपेयर करते हैं। और चलो दूसरों की बात तो छोड़ो, ये तो अपने ही बच्चों में कंपैरिजन करते हैं। लाइक देख तेरी बहन तुझसे कितनी छोटी है लेकिन कितना शार्प माइंड है उसका, कितनी इंटेलिजेंट है, हर बात को समझती है। इस तरह वो अपने ही बच्चों में कंपैरिजन करते हैं। इससे इसका क्या डिसएडवांटेज है पता है दोस्तों? वो बच्चा अपने माँ बाप को, अपने दोस्तों को, अपने भाई बहन को अपना दुश्मन समझने लगता है, और फिर वो इतना डिप्रेस हो जाता है और वो कहने लगता है मन में कि यार ये मेरे साथ ही क्यों होता है, नहीं अभी मैं करूँगा नहीं। इस तरह वो अपने इरादे बदल लेता है। और दोस्तों फोर्थ नंबर पे जो पेरेंट्स आते हैं वो वर्ल्ड बेस्ट पेरेंट्स हैं और मेरे फेवरेट पेरेंट्स हैं।
और ये पेरेंट्स है बैलेंस्ड पेरेंट्स। अभी आप लोग कहोगे यार ये बैलेंस्ड पेरेंट्स क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। ये पेरेंट्स अपने बच्चों को बिल्कुल बैलेंस्ड रखते हैं, यानी जिस टाइम पर जिस जगह पर बच्चे को इनकरेज करना चाहिए, बच्चे की तारीफ करना चाहिए, बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए, उस वक्त ही अपने बच्चे की तारीफ करते हैं, उसी इतनी उसकी हौसला अफजाई करते हैं, और जिस जगह पर जिस वक्त पर उन्हें सख्ती से काम लेना होता है वहाँ पर वो सख्ती से काम लेते हैं। बच्चों को वो सही और गलत की समझ देते हैं। अगर बच्चा कोई चीज़ के लिए जिद करे या फिर कोई गलत चॉइस कर ले तो वो अपने बच्चे को अच्छे से समझाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। ये पेरेंट्स वर्ल्ड बेस्ट है और मैं तो कहता हूँ हर पेरेंट्स ऐसे ही होने चाहिए। और ये वो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे के हारने पर या फिर बच्चे के फेल होने पर भी वो अपने बच्चे से खुश होते हैं। कैसे, मैं आपको एक स्टोरी के ज़रिए बताता हूँ, बट बिल्कुल सी छोटी सी स्टोरी है, ज़रूर सुनिए, ये स्टोरी सुनकर आपका दिल बहुत खुश हो जाएगा। तो एक स्कूल में 400 मीटर की रेस थी, एक स्कूल में 400 मीटर की रेस थी और उसमें 20 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। सारे पेरेंट्स अपने अपने बच्चों को मोटिवेट कर रहे थे, इनकरेज कर रहे थे कि बेटा यू कैन डू इट, मन लगा के दौड़ना, तेज़ दौड़ना, इस तरह अपने अपने बच्चों को इनकरेज कर रहे थे। थोड़ी ही देर में रेस शुरू होती है, सारे बच्चे दौड़ने लगते हैं, फिर सबके माँ बाप उन्हें चीयर अप करते हैं, बेटा यू कैन डू इट, रन रन फास्ट, इस तरह अपने अपने बच्चों को चीयर्स अप कर रहे थे। तो फिर भागते भागते दौड़ते दौड़ते कुछ बच्चे लड़खड़ा गए, कुछ बच्चे धीमे भागने लगे, कुछ बच्चे वहीं पर रुक गए, कुछ बच्चे गिर गए, और फिर आखिर में 3 बच्चे जीत गए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये विनर्स हैं। और फिर इनको तो प्राइज मिल गया, इनके माँ बाप भी बहुत खुश थे, लेकिन इस रेस में 5th पोजीशन पर जो लड़का था वो लड़का तो नहीं जीता था। फिर वो अपने पापा के पास गया, वो थोड़ा सा हताश था, थोड़ा सा नर्वस था कि भी पापा मुझे डांटेंगे, पापा मुझे चिल्लाएंगे। फिर जैसे वो अपने पापा के पास गया तो उसके पापा ने मुस्कुराते हुए उससे कहा कि बेटा कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम फर्स्ट आए हो, चलो बेटा मैं तुम्हें इसी खुशी में पार्टी देता हूँ, तुम्हें आइसक्रीम खिलाता हूँ, इसी तरह बढ़ते रहो, बताओ तुम कौन सी आइसक्रीम खाओगे। बेटा बहुत बेटा एकदम शॉक हो जाता है, एकदम हैरान हो जाता है कि यार मैं तो 5th पोजीशन पर था और ये पापा क्या कह रहे हैं। तो फिर वो बेटा अपने पापा से कहता है कि पापा मैं फर्स्ट नहीं, मैं 5th आया हूँ। तो फिर पापा का जवाब सुनिए, बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया उन्होंने। उन्होंने कहा कि बेटा 5th तो तू तेरे लिए आया है, मेरे लिए तो तू फर्स्ट ही आया है, क्योंकि तेरी रेस सामने जो 4 लोग थे तेरी रेस उनसे नहीं थी, बल्कि तेरे पीछे जो 15 लोग थे तेरी रेस उनसे थी और तू उनसे फर्स्ट आया है, इसलिए मैं तेरे से बहुत खुश हूँ बेटा, बता अभी तू कौन सी आइसक्रीम खाएगा। और वो बच्चा खुश होता है और अपने पापा के गले लगता है। लेकिन असल ज़िंदगी में पेरेंट्स ऐसे नहीं होते हैं, क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल के मार्क्स से, परसेंटेज से ही कंपेयर करते हैं। लेकिन एक बात मेरी हमेशा याद रखना दोस्त, कि बच्चों के स्कूल के मार्क्स का, परसेंटेजेस का उनकी रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं होता, नथिंग, कोई लेना देना नहीं होता। और ऐसे कई सारे एग्जांपल्स भी हैं, जैसे अक्षय कुमार बॉलीवुड के खिलाड़ी नंबर 1, वो भी तो 7th क्लास 3 बार फेल हो चुके थे, 10th क्लास भी वो फेल थे, लेकिन आज उनका बॉलीवुड में कितना बड़ा नाम है, कितने बड़े एक्टर है वो। और सिर्फ बॉलीवुड के एक्टर्स ही फेल होकर बड़े नहीं बने हैं, बल्कि ऐसे क्रिकेटर्स भी है, बिजनेसमैन भी है, जिन्होंने बचपन में फेल होकर भी बड़े होकर अपना बहुत बड़ा नाम कमाया है। जैसे सचिन तेंदुलकर, इतने बड़े क्रिकेटर है, वो भी सिर्फ 10th पास थे, ओनली 10th पास, ही डजंट डू हिज ग्रेजुएशन, उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन नहीं की थी, लेकिन आज वो अपने देश की शान है, हर इंसान के दिल की धड़कन है। और स्टीव जॉब्स का तो नाम सुना ही होगा ना, एप्पल कंपनी, इतने बड़ी कंपनी के ओनर है वो, उसने भी ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन आज इतने बड़े कंपनी के ओनर है, इतने बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन है वो। और आज इस दुनिया में हर इंसान चाहता है कि उसके पास एप्पल का मोबाइल हो। इन जैसे लोगों के पेरेंट्स ने भी इन्हें सपोर्ट किया था, तब जाके इनका इतना बड़ा नाम बना है। लेकिन आज के पेरेंट्स तो रिजल्ट आने से पहले ही बच्चों को डरा कर रख देते हैं कि अगर तू फेल हो गया तो तुझे घर से निकाल दूंगा, तुझे यहाँ काम दिला दूंगा, तुझे होटल में काम दिला दूंगा, ऐसे वो बच्चों को डिप्रेशन में डाल देते हैं। फिर से क्या होता है पता है दोस्तों, बच्चे सोचने लगते हैं कि 10th और 12th ही मेरी लास्ट जिंदगी है, यही मेरी ज़िंदगी है, अगर मैं इसमें फेल हो गया
तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, ऐसी बच्चों की सोच हो जाती है। इसीलिए आज की इस वीडियो में मेरी आपसे एक ही गुजारिश है, क्या एज अ पेरेंट आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने बच्चों को अपना दोस्त बनाइए, उन्हें एक बैलेंस वाली लाइफ जीने दीजिए, ना ही उन पर ज़्यादा प्रेशर डालें किसी चीज़ का, और ना ही उन्हें हद से ज़्यादा प्यार करें और उनकी हर जिद को पूरा करें, और ना ही उन्हें किसी से कंपेयर करें, उन्हें एक बैलेंस वाली लाइफ दीजिए। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि यार हम तो ये सारी चीज़ें करते हैं लेकिन हमारे बच्चे ही हमारी बात नहीं मानते, तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी अगली वीडियो खास बच्चों पर ही होने वाली है कि बच्चे किस तरह से अपने माँ बाप से सलूक करते हैं और बच्चे किस टाइप्स के होते हैं। देन वेट एंड वॉच। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।